आप देख रहे हैं ये तूफान यास लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और इन तमाम राज्यों में अलर्ट जारी है। यहीं पर आपको लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। न्यूज 24 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कोलकाता से मनोज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, रांची से आकाश सिंह जुड़ गए हैं, टीवी स्क्रीन पर आप उनको देख सकते हैं, मुश्ताबाद से मनाली दत्ता उनकी रिपोर्ट भी आपने देखी और अपडेट इस पर लेंगे, और भद्रक से पतंजलि शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं आकाश, क्योंकि ओडिशा से टकराया, पश्चिम बंगाल पहुंचा, लेकिन अब झारखंड में तबाही मचा रहा है ये तूफान, क्या अपडेट है इस पर? देखिए, बंगाल और उड़ीसा के तट से टकराने के बाद यह तूफान का असर झारखंड में देखने को मिल रहा है। कल से ही लगातार यहां बारिश हो रही है और रुक रुक कर तेज हवाएं चल रही हैं। जहां तक बात करें मौसम विभाग की, तो उन्होंने कहा है कि आज यहां 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने की संभावना है। और अभी तूफान झारखंड में आने से पहले यहां तबाही देखा जा रहा है, कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं। और कल की बात करें तो रांची के दुर्गा इलाके में एक घर गिरने से दो लोगों की मौत भी हो गई है। हालांकि यहां प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर रखी है, हर स्थिति से निपटने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। ये अच्छी बात है कि प्रशासन तैयार है और तैयारियां नुकसान कम होने देंगी। आप बने रहिए मेरे साथ, तस्वीरें तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि झारखंड में भी रांची में पेड़ पौधे मकानों को नुकसान पहुंचाना इस तूफान ने शुरू कर दिया है। 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। और अब इंद्रजीत सिंह आपके पास आ रही हूं, जमशेदपुर में क्या स्थिति बनी हुई है यास को लेकर? ये बता दें कि जमशेदपुर का कई क्षेत्र उड़ीसा से लगा हुआ है और कुछ क्षेत्र बंगाल से सटा हुआ है, जिस कारण से बंगाली खाड़ी से चलने वाला यास चक्रवाती तूफान जो है जमशेदपुर में पिछले दो दिन से ही तबाही मचा रखी है। तेज हवाओं के साथ में जोरदार वर्षा ने यहाँ पे लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। जमशेदपुर के शहरी क्षेत्र को छोड़ करके जो ग्रामीण क्षेत्र है, बारागोला चकुंगा और तमाम जो क्षेत्र है, गांव क्षेत्र है, वहां पे खास करके देखा जा रहा है कि पेड़ उखड़ गए हैं, बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, बिजली विभाग के जो कर्मचारी है उनको सक्रिय किया गया है, एनडीआरएफ की टीम को उतारा गया है और जमशेदपुर में लगातार बारिश हो रही। अनुमान भी लगाया जा रहा था कि वहाँ जो भद्रक और बारासोल में तबाही के बाद जमशेदपुर जो वहां से नजदीक का इलाका है वहां बड़ा तबाही तूफान मचाएगा। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे पूरा दिन भर है और दिन भर में कितनी तबाही मचाता है। जी